हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस जोन। आज मैं आपके लिए फेरोरोशेस चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। क्रिसमस आने वाला है तो बच्चों के लिए आप घर में बच्चों बनाइए और उनको खिलाइए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। फेरोरोशेस चॉकलेट बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। इसे हम क्रश कर लेंगे। अब मैं इसमें 50 ग्राम बटर डालूंगी। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। बॉल्स में डालने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, काजू लिया है, बादाम लिया है, अखरोट लिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं दरदरा पीस लूंगी। हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर रेडी है। हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं चॉकलेट को मेल्ट करूंगी डबल बॉयलर में। हमारी चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है। इसमें मैं 2 चम्मच क्रीम डालूंगी और इसे भी चॉकलेट में अच्छे से मिक्स कर देंगे और चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम मेल्टेड चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में हम पिसा हुआ ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। चॉकलेट्स बॉल बनाने के लिए मैंने ऐसे शेल्स लिए हैं जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें मैं मिक्सचर जो है फिल करूंगी। सारे शेल्स में हमने मिक्सचर फिल कर लिया है। अब दोनों शेल्स को हम एक दूसरे से ऐसे जोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो बाहर से निकाल देंगे। हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। हमारे सारे बॉल्स सेट हो चुके हैं। अब इन बॉल्स को हमने जो चॉकलेट का दूसरा पार्ट बचा के रखा था उसमें हल्के से डिप करके आराम से निकाल लेंगे। देखिए मैं डिप कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। चॉकलेट बॉल्स के रेडी होने के बाद हम इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट बॉल्स रेडी हो चुके हैं। हम इन चॉकलेट बॉल्स को रैप पेपर में रैप कर देंगे। मैंने मार्केट से गोल्डन कलर का रैप पेपर लिया है जिसे मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। इसमें हम ऐसे इसको रैप कर देंगे। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी फीलिंग आएगी आपको इस चॉकलेट की। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप ऐसे बना कर देखिए। अब हमारी फेरोरोशेस चॉकलेट बनकर रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।